राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी ने जयपुर में नए कांग्रेस मुख्यालय की नींव रखी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट के साथ राजस्थान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। राहुल और खड़गे की मौजूदगी से उत्साहित नेताओं से अलग सचिन पायलट काफी गुमसुम से नजर आए। उन्होंने अपना भाषण सिर्फ 2.5 मिनट में खत्म कर दिया। नए कांग्रेस भवन के शिलान्यास के बाद जब फोटो सेशन की बारी आई तब भी पायलट अनमन ढंग से फ्रेम से दूर रहे। बाद में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें बुलाया तब आगे आए। सचिन पायलट की इस चुप्पी ने नए अटकलों को हवा दे दी। कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। इससे अलग राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, मगर राजस्थान में कांटे का मुकाबला है। राहुल गांधी के इस बयान से राजस्थान कांग्रेस में ही खलबली मच गई। राजस्थान कांग्रेस के जो नेता इतिहास बनाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही कांग्रेस के नेता राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह की बात करते हैं, मगर अंदर खाने की गुटबाजी जगजाहिर है। टिकट बंटवारे से पहले दोनों खेमों में रस्साकसी चल रही है। इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पहले ही ऐलान कर चुका है कि आने वाले चुनाव में कोई भी सीएम फेस नहीं होगा। पार्टी सचिन पायलट या अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस खींचतान के कारण ही राहुल गांधी को राजस्थान में मुकाबला कांटे का लग रहा है। अभी बीजेपी ने भी किसी नेता को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस थोड़ी राहत की सांस ले रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासत के सबसे मंजे हुए खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने सचिन पायलट के बगावत के बाद भी न सिर्फ अपनी सरकार बचा ली बल्कि 5 साल तक स्थिर रखा है। सीएम पद के लिए वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी ठुकरा चुके हैं। अशोक गहलोत की जादूगरी ये है कि वे ब्यूरोक्रेसी के अलावा संगठन में पूरी दखल रखते हैं। भले ही प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, उनके समर्थन से ही गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी अशोक गहलोत कनेक्ट रहते हैं, जिसकी कार्ड सचिन पायलट गुट के पास नहीं है। 1982 में अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उसके बाद से वे गांधी परिवार के करीबी भी गिने जाने लगे। गहलोत की इन खूबियों के कारण आलाकमान ने लाख कोशिशों के बाद भी सचिन पायलट की मांगों को दरकिनार कर दिया। जयपुर में बनने वाले नए कांग्रेस भवन बनाने का श्रेय भी अशोक गहलोत के खाते में गया, जिसके लिए राहुल गांधी ने उनकी तारीफ भी की। जब जब गहलोत और पायलट के बीच विवाद हुआ, मामला राहुल गांधी के दरबार में पहुंचा। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी की टीम राजस्थान में होने वाली सभी पॉलिटिकल गतिविधियों पर नजर रख रही है। खड़गे भी कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से रिपोर्ट ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अंदरूनी सर्वे में भी ये सामने आया कि राजस्थान में सरकार बदल सकती है, मगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर काफी कम रहेगा। इसके अलावा चुने पूर्व कई सर्वे में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला बताया गया है। लगातार हो रहे दलित उत्पीड़न और गैंगरेप की घटनाओं से सरकार की छवि काफी प्रभावित हुई है। बीजेपी की परिवर्तन रैली में हिमांता विश्वरमा जैसे नेताओं ने सिर्फ तरह हिंदुत्व को हवा दी है। उसका जवाब कांग्रेस को तलाशना है। करप्शन के मुद्दे पर खुद सचिन पायलट अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। राजेंद्र गुड्डा की लाल डायरी से भ्रष्टाचार के आरोपों को हवा मिल चुकी है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।